चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मीडिया से बात करते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों पर FIR कराने को लेकर कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन किया जाएगा। वहीं 13 महीने की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस सरकार को सुशासन देने का काम करना था उन्होंने चपरासी से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार फैला दिया है। इतना ही नहीं, महिला बाल विकास विभाग में पोषण आहार का घोटाला करने पर कहा कि कांग्रेस ने बड़े बच्चों का पेट भरा है। इसके साथ ही मंत्री सारंग ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। आप भी सुनिए मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। बहुत आश्चर्य है कि ये वही कांग्रेस है जिसने 13 महीने में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए थे। पीछे के दरवाजे से वेट टैक्स बढ़ाकर कांग्रेस ने गरीब जनता के साथ अन्याय किया था। ये कांग्रेस के नेता जो आज उपवास करने की बात कर रहे हैं, ये उस समय 13 महीने कहाँ थे? इन्हें निश्चित रूप से उस समय भी विरोध प्रदर्शन करना था। कांग्रेस की सरकार के समय वेट बढ़ा, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, परंतु वो कर जनता के हित में खर्च नहीं हुआ, बल्कि वो कर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निवास में ऐशो आराम करने पर खर्च हुआ। मुख्य मुद्दा यही है कि यदि वेट बढ़ता है, कर बढ़ता है, तो उसका उपयोग जनता के लिए होता है या नहीं होता। विकास और कल्याण के लिए तो सरकार को पैसा चाहिए ही, परंतु जब सरकार दाम भी बढ़ा देती है और कल्याण नहीं करती, जो कांग्रेस की सरकार में हुआ, वो आपत्तिजनक है। हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।